हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज 13 तारीख है 2022 और इस वक्त 4:58 हो रहे हैं शाम के। आज हम अपना डेली एनालिसिस करेंगे गोल्ड का, ठीक है। तो लास्ट टाइम हमने ये एनालिसिस किया था, मैं आपको दिखा देता हूँ ये हमने कब किया था। आप देख सकते हैं कितने ब्यूटीफुल तरीके से ये प्ले आउट हुआ है, ठीक है। और बहुत ज़बरदस्त जो है इसका मूव हुआ था। ये मेरा चैनल है, हमने ठीक, एक हफ्ते पहले तकरीबन 7 दिन पहले ये मैंने वीडियो अपलोड की थी और इसमें बिल्कुल इन डिटेल जो है वो एनालाइज किया था मैंने इसे। तो बहुत जबरदस्त गया। इसमें एंट्री हमने नहीं ली थी, उसकी वजह ये थी क्योंकि आपको पता है उस टाइम मैंने जीवी जेपीवाई और यूरो यूएसडी तकरीबन 4-5 एंट्री हमने ली थी और रिपीटेड इसके अंदर एंट्री हम ले रहे थे, तो यहाँ पे मेरा ध्यान ही नहीं गया, मिस हो गई। और मैं लिमिट ऑर्डर में यूज़ नहीं करता क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, ठीक है। करता हूँ जहाँ बहुत ज़्यादा जो है कॉन्फिडेंट होता है। इसके ऊपर एक एरिया था वो हम देखते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर लिमिट ऑर्डर नहीं यूज़ किया था। लेकिन बहरहाल बहुत ज़बरदस्त एंट्री रही है, हमारे जो ग्रुप में लोग हैं उन्होंने इसको कैच किया, ठीक है। इसको मैं रिमूव करता हूँ। अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा है, डेली की सिचुएशन देख लेते हैं, ठीक है। काफी रिस्की एरिया था ये, देखें यहाँ पे, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी ऊपर अप ट्रेंड के अंदर थी और हमारे पास एक डेली का यहाँ पर एरिया भी मौजूद है, ठीक है। तो डेली के अंदर अगर सेल साइड की बात की जाए तो यहाँ से पहले क्वालिटी सेलिंग यहाँ पे दिखाई नहीं देती, तो मार्केट का जो अगला टारगेट होगा वो ये होगा। और मैं गोल्ड की आपको बात बताऊं तो गोल्ड कराची में इस वक्त दिन में, कल मुझे पता चला एक सुनार से कि 1.5 अरब का जो है वो तकरीबन गोल्ड लोगों ने खरीदा है। तो डिमांड इतनी ज़्यादा है पूरी दुनिया में, क्रिसमस आ रहा है अभी, उसके अंदर बहुत ज़्यादा गिफ्ट के अंदर यूज़ होता है। तो उस हवाले से दिसंबर में गोल्ड की जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ रहती है। अभी चाइनीज न्यू ईयर आएगा उसके अंदर तो खैर बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है क्योंकि उसके अंदर तो गिफ्ट ही सोने के दिए जाते हैं वहाँ पर, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोड्यूसर भी है चाइना। तो सेलिंग जो है वो यहाँ से, क्वालिटी सेलिंग जो है इस जगह से पहले मुझे देखने को नहीं दिख रही। हो सकती है यहाँ कहीं से भी, लेकिन क्वालिटी सेलिंग जिसको हम कहते हैं ना वो ये एरिया प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो हमारे पास डेली के अंदर फिर क्या रह जाता है, हमारे पास डेली के अंदर रह जाता है ये एरिया बाय का, ठीक है। ये है ड्रॉप बेस रैली, ठीक है, और नीचे के ये एरियाज हमारे पास अभी भी अवेलेबल हैं, ठीक है। सेलिंग के लिए हमारे पास अभी भी अवेलेबल हैं क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है, इसलिए मार्केट अभी भी जो है ऊपर की तरफ ही जा रही है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डेली का। H4 में देख लेते हैं यहां पर हमें अगर कुछ क्वालिटी में मिल जाए तो। अच्छा, ये एरिया था, ये हो चुका है, ये भी। अच्छा, ये बहुत जबरदस्त एरिया है, ठीक है। मूव आप देखें, बड़ा शार्प मूव है, बहुत जबरदस्त है, इम्बेलेंस भी मौजूद है। ये है H4 में, बहुत लाजवाब, बहुत जबरदस्त जो है वो एरिया ही है H4 का। तो इसको मैं बिल्कुल डेफिनेटली मार्क करूंगा और आई थिंक और मार्क करने की जरूरत, यहाँ इम्बेलेंस फुल फिल हो चुका है, नहीं है, नहीं। ये एक इकलौता एरिया है H4 में और हमारे पास यहाँ पर स्ट्रक्चर भी मौजूद है इस जगह का। अगर आप देखें तो यहाँ पे मार्केट ने एक मिनट स्वेप डाउन किया है, जो ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी थी उसको मार्केट ने एकदम स्वेप डाउन किया, बल्कि ये इसी को नहीं, ये एरियाज भी उड़ा दिए मार्केट ने, ठीक है, विच मेक इट मोर स्ट्रेंथफुल, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम रखते हैं और हमारे पास FTR भी यहाँ पे मौजूद है,
मार्केट ने कोशिश की पुल बैक की ऊपर की तरफ, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। यहाँ तक जो इम्बेलेंस है हमारे पास वो फुल हो चुका है, ठीक है। अगर मैं इसको क्लोज डाउन करूँ तो हमारे पास इम्बेलेंस अभी बिल्कुल थोड़ा सा बचा हुआ है, यहाँ पर भी मौजूद है, ठीक है। तो इम्बेलेंस के मामले में तो सही है, और मूव भी बड़ा शार्प है। हमारे पास स्ट्रक्चर भी ब्रेक हुआ हुआ है यहाँ पर, अगर आप देखें हमारे पास यहाँ पर भी स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ हुआ, तो यहाँ से मार्केट के सेल में जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो हमारे पास अभी यहाँ तक का स्पेस अवेलेबल है, मार्केट अभी बहुत बुलिश रहेगी है आने वाले दिनों के अंदर, ठीक है, बहुत बुलिश रहने वाली है। और ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी यहाँ पर बनती है H1 की, जो कि मुझे लगता है कि मार्केट को नीचे की तरफ खींचेगी, और ये एरिया मुझे लगता है कि क्योंकि अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी आ चुकी है तो ये एरिया बन सकता है, लेकिन ये बहुत वीक एरिया है। लेकिन एग्जैक्टली अगर हम पूरा इसको मार्क करें तो डेली का ये एरिया बड़ा अच्छा है, ठीक है, ये वाला भी और ये वाला भी, तो हम इसको भी मार्क कर देते हैं इस ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी को देखते हुए, ठीक है। कि अगर मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आती है मजीद तो यहाँ तक आ सकती है, ठीक है। अब देखें डेली के अंदर ये बिल्कुल सही दिख रहा है, लेकिन अगर हम इसकी ट्रेंड लाइन में देखेंगे तो यहाँ पे लिक्विडिटी है जो इसको ब्रेक डाउन कर सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने टॉप डाउन एनालिसिस करेंगे तो ये चीज़ें आपके सामने आती रहेंगी। और यहाँ पर ये एरिया डेली में इसको जबरदस्त बनाता है इस स्ट्रक्चर की वजह से, ठीक है। H1 में हमारे पास इतना ज्यादा कोई खास एरिया नहीं है, लेकिन यहाँ पर एरिया बन सकता है, मार्केट जब नीचे आएगी तो यहाँ पर एरिया बन सकता है, जो मैंने आपको बताया था डबल बॉटम और डबल टॉप वाली जो सिचुएशन है। बल्कि कल ही मैंने वीडियो बनाई है उसके हवाले से, ट्रेंड चेंजिंग के हवाले से कैसे ट्रेंड चेंज होता है, वो आप जाके देखें, बहुत ज़बरदस्त वीडियो है। रिस्पॉन्स आप लोगों का इतना अच्छा नहीं मिला, लेकिन जो बाहर से लोगों ने देखी है वीडियो, इंडिया वगैरह से, उनको बहुत अच्छी लगी है, शुक्रिया उनका। इंडिया में 30% वीडियो देखी जाती है भाई मेरी, ज़्यादातर पाकिस्तान में होती हैं, थोड़ी बहुत अरब कंट्रीज के अंदर, लेकिन सब्सक्राइब वो लोग नहीं करते, वीडियो ज़रूर देखते हैं, खैर कोई मसला नहीं। अच्छा जी, तो H1 में आप देखें तो ये एरिया कोई हमें बिल्कुल खास नहीं दिख रहा, ठीक है, लेकिन डेली का एरिया ये याद रखिएगा। मैं इसको यहाँ पे मार्क कर देता हूँ इस जगह पर, बल्कि मैंने ऑलरेडी ये मार्क किया हुआ भी था, ठीक है। ये एरिया यहाँ पर थोड़ा क्वालिटी है, तो नीचे की तरफ जब आएगा ये तो ये ट्रेंड लाइन अभी ब्रेक होने वाली है, आप देखेंगे कुछ टाइम के अंदर ये ब्रेक हो सकती है, ठीक है। 15 मिनट पर जाते हैं डायरेक्ट, M13 में देखने का टाइम वेस्ट करने वाली बात है, ठीक है। ये एरिया आप देखें कितना जबरदस्त दिख रहा है ये M15 में, और यहाँ पे मुझे एक चीज दिख रही है वो है ये वाली, ठीक है, ये स्ट्रक्चर जो है ना, ये वाला MPL मैक्स पेन लेवल है ये, और आप देखें ये मजीद नीचे की तरफ लेके जाएगा, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा लिक्विडिटी होगी, बहुत ज्यादा यहाँ पे लिक्विडिटी होगी, तो हमें फौरन से कोई ना कोई सेल की तलाश देखनी होगी कि हमें यहाँ पे सेल दिख जाए। ये बड़ा आउट क्लास एरिया दिख रहा है मुझे, लेकिन ये पिवट एरिया है, इसमें ध्यान में आप रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। ऊपर बिल्कुल पिवट है, पिवट के एरिया ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे, या सिर्फ पिवट जोन लिखें और मेरा नाम लिख दें आगे, आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है, तो उसमें भी बेहतरीन है। ब्रेक हुआ हुआ इसका जो स्ट्रक्चर है वो उससे ब्रेक हुआ हुआ है, मतलब ये वाले जोन से ना, ठीक है, लेकिन जो ओरिजिन ऑफ द जोन है वो यही है, तो हम इसको लेंगे पूरे को, ठीक है। और ठीक है,
ये बनता है 78 के ऊपर ही बनता है। मैं जरा इसकी एक चीज देखूं कि मार्केट के सेलिंग जोन जो है वो कौन कौन से बनते हैं। अच्छा जी, ये सेलिंग एरिया था जो हमने ये बनाया हुआ है फिबोनाची का, ठीक है। यहां से मार्केट नीचे आई, अच्छी खासी नीचे आई है यहां से, और अभी मार्केट इस वाले सेलिंग जोन के ऊपर आ रही है जो हमने बनाया हुआ। ये कस्टम सेटिंग है, मैं आपको सिखाऊंगा बाद में इसको कैसे यूज करना है, एक अलग से वीडियो बना के। अभी आप जरा ध्यान पे जोर ना दें इस पे, ठीक है। और हमारा जो जोन है वो बिल्कुल डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर है, बहुत जबरदस्त प्राइस में, जो कि एक अच्छा जो है इसको बनाता है। मैं इसको जरा रिवर्स एंगल से देखता हूँ, नहीं करेक्ट एंगल से देखता हूँ। रिवर्स तो हमने कर दिया था इसको, यहाँ पे यहाँ पे नहीं बनता। अब इसको जरा देखते हैं यहाँ से, ठीक है। 102.0, यस, हमारे सेलिंग जोन में हमारा जोन अब यहां से आ चुका है, ठीक है। अगर मैं इसको देखूं बिल्कुल परफेक्ट हाई टू लो, बिल्कुल परफेक्ट आ चुका है, ठीक है। क्लोजिंग प्राइस से देखें तो हमारा बिल्कुल जबरदस्त 2.61 के ऊपर आ रहा है, जो कि 90% रिवर्सिंग जो है पैटर्न होता है। लेकिन इसका ख्याल रखिएगा फिर भी आप, क्योंकि हमारी जो फिबोनाची का लेवल सेलिंग लेवल है वो इसके ऊपर है। उसका रीजन ये है कि मार्केट जो है ये पिवट जोन है, जोन अच्छा है लेकिन पिवट एरिया है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर भी ठीक ही है। तो ये एरिया मैं आपको बता देता हूँ, ये 1794.28। तो हम सेलिंग ही देखेंगे फिलहाल, इसलिए इसको देख लेते। अच्छा, ये ऊपर वाला ये यहां से चला है, इसमें भी पोटेंशियल मौजूद है। ये जो ऊपर है ना, इसमें भी पोटेंशियल मौजूद है, लेकिन ये इक्वल हाई है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा मसला हो सकता है, अगर यहाँ कंफर्मेशन हमें नहीं मिलती तो यहाँ पे ऊपर हमने जरूर ढूंढेंगे, क्योंकि ये बड़ा जबरदस्त इसने मूव दिया है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये एरिया बनता है हमारा 1812.44, और यही एरिया मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ पर आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। इस ऑर्डर ब्लॉक में हम देखेंगे, और इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अभी के लिए अपना एनालिसिस पूरा करते हैं इसको, कल आपसे मुलाकात होगी किसी नए पैर के साथ। अल्लाह हाफिज़।